भारतीय नौजवान सभा हमीरपुर इकाई ने बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर गांधी चौक पर प्रदर्शन किया और सरकार पर बेरोजगारों को धोखा देने के आरोप लगाए। बारिश के बावजूद सभा के सदस्यों ने अपना प्रदर्शन जारी रखा और जमकर सरकार विरोधी नारेबाजी की। इस मौके पर भारतीय नौजवान सभा के अध्यक्ष अनिल मनकोटिया भी मौजूद रहे। सभा के जिला सचिव विवेक राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो शर्तें बेरोजगारी भत्ते के लिए लगाई हैं, उन्हें कोई भी बेरोजगार पूरा नहीं कर सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने आयु सीमा व शिक्षा के मानकों को गलत नीति को बेरोजगारी भत्ते प्राप्त करने के लिए लागू किया है, जिसके कारण हजारों की संख्या में पात्र बेरोजगार इस भत्ते से वंचित हो गए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार बेरोजगारी भत्ते के लिए लगाई गई शर्तों को वापस ले। मेरा नाम विवेक राणा है, मैं भारत की जनवादी नौजवान सभा DYFI जिला हमीरपुर का सचिव हूँ। आज जिला कमेटी के आह्वान पर हमने हमीरपुर के गांधी चौक पर बेरोजगारी भत्ते की मांग को लेकर एक प्रदर्शन आयोजित किया है। जैसा कि सरकार ने पिछले दिनों बेरोजगार युवाओं के लिए 1000 रुपया मासिक बेरोजगारी भत्ते देने की बात की है, उसके अंदर जो शर्तें सरकार ने रखी है, नौजवान सभा का मानना है कि ये शर्तें कोई भी बेरोजगार युवक पूरा नहीं कर सकता है। आप देखते हैं सरकार ने शर्त रखी है कि बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो प्लस टू पास होनी चाहिए, लेकिन नौजवान सभा का मानना है कि हमारे प्रदेश के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जमा 2 से कम पढ़ाई उन्होंने की है और वो बेरोजगार हैं। इसके साथ साथ सरकार ने एक आयु सीमा निर्धारित की है कि जो आदमी 20 साल से लेकर 35 वर्ष की आयु के बीच में है, उसी को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। लेकिन हमारी मांग है कि जो आदमी 18 साल की उम्र पार कर चुका है और 45 साल की उम्र तक है, उन सबको जो है वो बेरोजगारी भत्ता उसके अंदर मिलना चाहिए। इसके साथ साथ सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के लिए जो परिवार की एनुअल इनकम है, जिसका जो क्राइटेरिया 2 लाख रखा है, नौजवान सभा उसका भी विरोध करती है और हम ये मांग करते हैं कि जो एनुअल इनकम क्राइटेरिया है उसको 2 लाख से बढ़ाकर जो है वो 4 लाख किया जाना चाहिए। धन्यवाद।